हेलो फ्रेंड्स, मैं चैप्टर 5 फूड एंड हेल्थ के क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगी। तो इसमें देखिए, ये सारे क्वेश्चंस हैं। तो मैं यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ए डैस इज एनी डिफेक्ट और एबनॉर्मलिटी फाउंड इन द बॉडी। तो इसका आंसर होगा डिजीज़। चिल्ड्रेन इन द एज ग्रुप ऑफ डैस ईयर्स ऑफन सफर फ्रॉम प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंसी डिजीज़। तो इसका आंसर होगा 6 मंथ्स टू 3 ईयर्स। यहाँ पे ऑलरेडी ईयर्स है, इसलिए हम लोग 6 मंथ्स टू 3 बस लिखेंगे। मिनरल्स आर प्रेजेंट इन डैस अमाउंट्स इन आवर बॉडी। तो इसका आंसर होगा स्मॉल। द डिजीज दैट कॉजेज एनलार्जमेंट ऑफ ग्लैंड इन द नेक इज नोन एज। इसका आंसर है गॉइटर। द डिजीजेस दैट गेट स्प्रेड थ्रू इंसेक्ट्स एयर वाटर एंड सॉयल आर नोन एज डैश डिजीजेस। तो इसका आंसर होगा कम्युनिकेबल डिजीजेस। नेक्स्ट है, ये मैच द फॉलोइंग। तो एनीमिया जो है वो आयरन की डेफिशिएंसी से होता है, तो इसको हम लोग ऐसे मैचिंग करेंगे। एनीमिया, ये आयरन। देन नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होता है, तो ये ई ऑप्शन, विटामिन ए। स्कर्वी विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होता है ऐसे। देन गॉइटर आयोडीन की डेफिशिएंसी से होता है, तो ये बी ऑप्शन है। बेरी बेरी विटामिन बी की डेफिशिएंसी से होता है। तो एनीमिया आयरन डेफिशिएंसी, नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए डेफिशिएंसी, स्कर्वी विटामिन सी डेफिशिएंसी, गॉइटर आयोडीन डेफिशिएंसी, बेरी बेरी विटामिन बी डेफिशिएंसी। नेक्स्ट है, टिक द करेक्ट ऑप्शन। हेमोग्लोबिन कंटेंट बिकम्स लेस व्हेन ए पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम। इसका आंसर है एनीमिया। ए पर्सन हैविंग सोलन एंड ब्लीडिंग गम्स माइट बी सफरिंग फ्रॉम स्कर्वी, जो कि विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होता है। जर्म्स ऑफ कॉमन कोल्ड स्प्रेड थ्रू, इसका आंसर है एयर। डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स इन द डाइट ऑफ ए स्मॉल चाइल्ड कैन लीड टू इम्प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी। इसका आंसर है लेग्स बिकम बो शेप ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, इनमें से ऑप्शन है विटामिन डी। नेक्स्ट है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ। स्टेट द टू कैटेगरीज ऑफ डिजीजेस। तो इसका आंसर होगा द टू कैटेगरीज ऑफ डिजीजेस आर कम्युनिकेबल डिजीजेस एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। राइट टू सिम्टम्स ऑफ द डिजीज बेरी बेरी। टू सिम्टम्स ऑफ द डिजीज बेरी बेरी आर एक्सट्रीम वीकनेस एंड पैरालिसिस ऑफ बॉडी पार्ट्स। नेम एनी टू डिजीजेस दैट आर स्प्रेड थ्रू द बाइट ऑफ मस्कीटोज। टू डिजीजेस दैट आर स्प्रेड थ्रू बाइट ऑफ मस्कीटोज आर डेंगू एंड मलेरिया। ये क्वेश्चन का मीनिंग है कि ऐसे दो डिजीज बताइए जो मच्छर काटने से होता है। तो डेंगू और मलेरिया मच्छर काटने से होता है। ए गर्ल फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू सी इन डिम लाइट एंड हैज़ ड्राई एंड स्केली स्किन। नेम द डिजीज सी माइट बी सफरिंग फ्रॉम। तो इसका आंसर होगा शी माइट बी सफरिंग फ्रॉम नाइट ब्लाइंडनेस डिजीज विच इज़ कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। ये क्वेश्चन 5 है अभी। वाई शुड वी नॉट अलाउ वाटर टू स्टैगनेट अराउंड आवर होम्स। इसका मीनिंग है कि हमारे घर के आसपास पानी जमा होने से हमें क्यों रोकना चाहिए। तो आंसर होगा स्टैगनेंट वाटर लीड्स टू ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज विच कॉज डिजीजेस लाइक मलेरिया एंड डेंगू। देयरफॉर वी शुड नॉट अलाउ वाटर टू स्टैगनेट अराउंड आवर होम्स। तो पानी जमा होने से वहाँ पर मच्छर ब्रीड करते हैं, जिससे डेंगू और मलेरिया जैसी डिजीजेस होते हैं। तो इसलिए हम लोग घर के आसपास पानी अगर जमा होता है उसको रोकना चाहिए। नेक्स्ट है ई पार्ट। हाउ डोज कैल्शियम फॉस्फोरस डेफिशिएंसी अफेक्ट आवर बॉडी। तो इसका आंसर होगा कैल्शियम फॉस्फोरस डेफिशिएंसी लीड्स टू द फॉलोइंग सिम्टम्स इन आवर बॉडी। तो यहाँ एज फॉलोज नहीं रखेंगे, बस एज आवर बॉडी तक ही रखेंगे।
नेक्स्ट इसके बाद लिखेंगे, टीथ बिकम वीक, दे लूज देयर शाइन एंड वाइटनेस, बोन्स बिकम वीक, सॉफ्ट एंड फ्रेजाइल। तो यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है कि कैल्शियम फास्फोरस डेफिशिएंसी होने से हमारे बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं या कैसे हमारे बॉडी को अफेक्ट करता है। तो इसका ये आंसर है, सजेस्ट सम मेजर्स दैट कैन हेल्प अस टू प्रिवेंट द अकरेंस ऑफ डेफिशिएंसी डिजीजेस। तो ऐसे कुछ मेजर्स बताइए जैसे जो डेफिशिएंसी डिजीजेस होते हैं वो हमें ना हो। तो डेफिशिएंसी डिजीजेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय अडॉप्टिंग द फॉलोइंग मेजर्स। वन शुड टेक ए बैलेंस्ड डाइट कंटेनिंग ऑल टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। वन मस्ट फॉलो गुड फूड प्रैक्टिसेस एंड हैबिट्स। चिल्ड्रन मस्ट बी गिवन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ मिल्क प्रोडक्ट्स, जूसेस, सॉफ्ट बॉइल्ड राइस, पोरिज एक्सेट्रा। तो इसका ये आंसर है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ कैन वी प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ जर्म्स फ्रॉम ए सिक पर्सन टू ए हेल्दी पर्सन। तो इसका आंसर होगा, वी कैन प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ जर्म्स फ्रॉम ए सिक पर्सन टू ए हेल्दी पर्सन बाय टेकिंग द फॉलोइंग स्टेप्स। ऑल द आर्टिकल्स एंड क्लोथ्स ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन शुड बी डिसइन्फेक्टेड। वन मस्ट ऑलवेज कवर द नोज और माउथ व्हाइल स्नीजिंग और कफिंग। The surroundings must be kept clean and hygienic. The surroundings should be sanitized from time to time. ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ईशा was suffering from chicken pox. Her teacher advised her not to come to school till she recovered completely. Why? तो क्वेश्चन का मीनिंग है कि ईशा को चिकन पॉक्स हुआ था तो उसकी टीचर बोली कि जब तक वो ठीक नहीं होती तब वो स्कूल नहीं आएगी, तो क्यों बोली। तो इसका आंसर होगा कि चिकन पॉक्स इज ए कम्युनिकेबल डिजीज, जर्म्स ऑफ चिकन पॉक्स स्प्रेड थ्रू एयर। इफ ईशा वेंट टू स्कूल शी कुड इजीली इन्फेक्ट अदर चिल्ड्रेन, सो हर टीचर एडवाइज्ड हर नॉट टू कम टू स्कूल टिल शी रिकवर्ड कम्प्लीटली। तो चिकन पॉक्स एक कम्युनिकेबल डिजीज है, यानी उसके जो जर्म्स हैं वो एयर के थ्रू स्प्रेड होते हैं। तो स्कूल में जो बाकी हेल्दी बच्चे हैं, अगर ईशा स्कूल जाएगी तो हो सकता है बाकी जो हेल्दी बच्चे हैं एयर के थ्रू इन्फेक्शन जाके वो लोग भी चिकन पॉक्स से सफ़र करें। इसलिए टीचर बोली ईशा को रुकने के लिए टिल उसका तबीयत ठीक हो जाता है। तो इसको ऐसे हम लोग लिखेंगे, वाई आर डेफिशिएंसी डिजीजेस कॉल्ड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। डेफिशिएंसी डिजीजेस को क्यों नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस कहा जाता है। डेफिशिएंसी डिजीजेस डू नॉट गेट ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, हेंस दे आर कॉल्ड एज नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। डेफिशिएंसी डिजीजेस जो होते हैं जैसे विटामिन ए की डेफिशिएंसी, विटामिन सी की डेफिशिएंसी, वो एक पर्सन को ही होते हैं। वो ऐसा नहीं कि वो पर्सन अगर और किसी के कॉन्टैक्ट में आए, दूसरे पर्सन को वो एयर या किसी मीडियम से ट्रांसफ़र नहीं होते हैं। इसलिए डेफिशिएंसी डिजीजेस को नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस कहा जाता है। तो ये हमारा इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर ख़त्म होता है।